नमस्कार दोस्तों, मैं तनमय स्वागत करता हूं आपके इंटरेक्टिव में जाम लेटर ट्रैक न्यूज़ एंड प्रोडक्ट रिव्यू के बारे में। आज आप गांव खेड़ी वालों के लिए लेके आया हूं मैं एक खुशखबरी। खुशखबरी भाई, मिठाई तो बनती है, एक लड्डू भेज देना घर पे खुशखबरी जान के। पक्का भेजोगे? नहीं भेजोगे तो पाप तो लगाएगा ही भगवान। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। और शुरू करने से पहले अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना दोस्तों, और अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब करिए, नोटिफिकेशन पे क्लिक करिए ताकि जो मेरे वाले सबसे पहले अपडेट आपको मिल जाए। तो चलिए दोस्तों चलते हैं। तो दोस्तों आपको मैं बता दूं कि गांव खेड़े वालों के लिए खुशखबरी आई है कि रविशंकर प्रसाद जो हमारे के वो हैं, उन्होंने दोस्तों संसद में एक बिल रखा है जिसके थ्रू यानी 2019 से लेकर 2020 में आपके गांव खेड़ों में लगने वाले हैं टावर। और टोटल टावरों की बात बताऊं तो 57,000 टावर लगने वाले हैं। टन टन। अब 57,000 टावर में शायद आपका भी गांव आएगा, शायद नहीं पक्का ही आएगा, क्योंकि जो से गांव रह गए हैं, मतलब कोई छोटा है, कोई मतलब सोल में कहीं जाके, मनाली में कहीं जाके या पहाड़ों में कहीं हैं, तो दोस्तों वहाँ पे भी अब लगने वाले हैं टावर ताकि आपको मिले अच्छा खासा सिग्नल, डाउनलोडिंग स्पीड अच्छी हो, अपलोडिंग स्पीड अच्छी हो, और आप देश के अच्छे नागरिक होने के साथ साथ देश के इंटरनेट का भी फ़ायदा उठा पाएँ। अब दोस्तों आपको एक सर्वे के मुताबिक बताऊँ तो 5.5 लाख गाँव में आज इंटरनेट उपलब्ध है, लेकिन 43,000 गांव ऐसे भी हैं, छोटे गांव जहां पे इंटरनेट है ही नहीं। मतलब सोच सकते हो आज भी हमारा इतना इंडिया डेवलप हो गया है, लेकिन फिर भी 43,000 गांव ऐसे हैं जहां पे आज तक कोई भी मतलब इंटरनेट की सुविधा मिल ही नहीं रही, वहां पे कोई टावर ही नहीं है। तो मतलब आप सोचिए कैसे चलता होगा वहाँ पे, वहाँ पे तो सेटेलाइट फ़ोन लेना पड़ता होगा उनको स्पेशली सरकार से कह के, तो सोचिए। अब दोस्तों आपको मैं बताऊं ये यहाँ पे क्यों नहीं है, तो दोस्तों सरकार का कहना है कि ये गांव खेड़े ऐसे इलाकों में पड़ते हैं जहाँ ना कोई ट्रांसपोर्ट है, ना अच्छे खासे मीडियम है कि हम वहाँ पे कोई कम्युनिकेशन के कोई मीडियम हो तो हम कैसे जाएं, ना हम वहाँ पे किसी को कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, ना कोई वहाँ पे हमारी ट्रांसपोर्ट हो सकती है, क्योंकि हमें भी पता है टावर का कितना सारा सामान होता है, वहाँ पे ट्रांसपोर्ट करना बहुत मुश्किल हो जाता है और ले जाना आने में बहुत ज़्यादा मुश्किल और कठिनाइयाँ होती है, लेकिन टेलीकॉम कंपनी को बहुत ज़्यादा नुकसान ना हो इसलिए प्रॉफिट के लिए वो वहाँ पे भी अब जा रहे हैं, क्योंकि जियो जिस तरह बढ़ रहा है दोस्तों हमारी इंडिया में, जंगल की आग की तरह मेरे को लगता है एकदम पूरे देश को जला डालेगा इंटरनेट की आग में। और दोस्तों वैसे ही इंटरनेट की आग लग चुकी है, तो कई गांव वाले कहते हैं यार हमारे इंटरनेट तो आता नहीं, कोई टावर ही नहीं है, और वो भैया लटक जाते हैं खम्भों पर, आए टावर सिग्नल आए। ऐसे भी दोस्तों कई गाँव है जहाँ पर सिग्नल नहीं आता, आप सोचिए अगर आपके फ़ोन में एक दिन सिग्नल ना आए तो क्या होगा। मैं तो सोच के ही दोस्तों बड़ा वो हो रहा हूँ, तो सोच नहीं सोचते नहीं है, सीधा करते हैं। अब दोस्तों मैं आपको बता दूं कि कुछ तरीके की एक पॉइंट सर्वे के हिसाब से हमारे जो इंडियन गवर्नमेंट है उसने 3,37,515 किलोमीटर में ऑप्टिकल इंटरनेट की फाइबर्स है, ऑप्टिकल वायर्स हैं, वो पूरी बिछा दी है दोस्तों इंडिया में, मतलब इतनी दूर तक बिछा दिया, लेकिन फिर भी कई ऐसे गांव रह गए हैं जहां पे टावर नहीं आए। क्यों ये क्यों बिछाई है दोस्तों, क्योंकि हमारी जो ग्राम पंचायत होती है वहां की गांव खेड़ों की, मतलब कोई भी एक गांव की आपको बताओगे पंचायत वहां पे आज भी लगती है, तो वहां पे उनके लिए वही है कानून उनका और वही है प्रोटोकॉल जो फॉलो करते हैं, तो उनका जो प्रोटोकॉल है उसको फॉलो करने के लिए उनके पास इंटरनेट होना चाहिए कि जिससे वो कम्युनिकेट कर पाएँ बाहर की गवर्नमेंट से, किसी से भी कोई हेल्प लेने के लिए कि हमारी हमारे गांव में ये कमी है तो आप इसे पूरा करिए। गांव खेड़े में इस चीज़ की कमी होती है, तो इस वजह से वो चाहते हैं कि इंटरनेट वहाँ पे भी हो सहूलियत, क्योंकि दोस्तों बहुत से कनेक्टेड नहीं थे पहले, इस वजह से डालने के बाद अब अच्छे खासे कनेक्टेड हो चुकी हैं, या दोस्तों 2.5 लाख अब इसके बाद कनेक्टेड हो चुके हैं इंटरनेट की गवर्नमेंट के साथ, जिससे कि वो हेल्प ले सकते हैं डोनेशन या वगैरह कुछ, उन्हें कोई प्रॉब्लम चाहिए होगी पैसों से या वैसे कोई हेल्प चाहिए हो लेबर की, तो वैसे वहाँ से गवर्नमेंट के कॉन्टैक्ट करके उसके थ्रू मंगवा सकते हैं। दोस्तों इसमें कितना फ़ायदा है हम सबका। अब दोस्तों आप मुझे अपनी राय बताइए, क्या आपके क्या लगता है कि देश का बद्धार होगा 57,000 और टावर लगने से या घाटा होगा, मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में बताइए। और गांव वालों को एक खुशखबरी कैसी लगी मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में बताइए, और ये भी बताइएगा किन गांव में आप रहते हैं जहां पे कोई भी सिग्नल आता ही नहीं है, मतलब कोई सिग्नल ही नहीं है, भगवान भरोसे चलते हैं आपकी गाड़ी या क्या है, जो भी है सब नीचे मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए दोस्तों। और किसी चीज़ पर वीडियो बनाते हैं तो नीचे मुझे कमेंट बॉक्स में जा सकते हैं, वहाँ पर जाके मुझे कह सकते हैं
बाबा जी की, जयराम जी की, समझ आकर आप वहाँ पे नीचे जाइए और वहाँ पे मुझे बताइए कि आपको क्या प्रॉब्लम है टेक्नोलॉजी में, कि आपको स्मार्टफोन में कोई वो है कुछ है। इतना महान इंसान मैं नहीं हूँ, मैं आपको बता दूँ, इतना महान भी नहीं हूँ मैं, लेकिन मैं कोशिश करूँगा आपके लिए वो वीडियो बनाने की। तो दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब नहीं करें तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, और वीडियो को लाइक भी करते जाइएगा। बार बार बोलते हुए मैं थक जाता हूँ, लेकिन आप करते नहीं हैं, इसलिए बार बार बोलना पड़ता है हम जैसों को। मिलता हूँ कल, तब तक के लिए बाबा, सी यू नेक्स्ट वीडियो।